कल रात से आप ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे भी आपकी वीडियोस वायरल हैं और हम देख रहे हैं कि चंद अफराद एक शख्स को जो है मार पीट रहे हैं, वो क्या मामला है क्या? एक साल पहले भी उन्होंने एक फायर मारा था किसको? मेरे कजन को, ठीक है तो उनपे 324 की FIR हुई थी। तो अब ये हुआ है कि अब वही रिपीट करने की कोशिश की जा रही थी, मुझे पता चल रहा था कि 15-20 लोग हैं जिनके पास रिपीटर्स थे, क्लाशनकोफ थी, पिस्टल थे, कसियां थी, मेरे ख्याल में रॉड थे, आई गेस ईंटें उन्होंने उठा उठा के मारी। तो उस बस उन्होंने अटैक किया। आ रही जो फुटेज थी वो वहीं पे एक लड़का था, वो छुप के बना रहा था। अपेरेंटली यही लग रहा था कि दे आर लेटिंग देम गो डिलिबरेटली। ब्लड बहुत ज्यादा जाया हुआ है, उनकी चार जगहों पे सर जो है वो खुल गया है, और इसको बोलते हैं बोन एक्सपोज, कि जो ये स्कल्प है, ये जो सर का ढांचा है वो बिल्कुल खुल गया है, मतलब अंदर तक की हड्डी तक उनको जख्म आए। ये क्योंकि लोग कौन है, कैसे आपके पीछे पड़ गए? कोई आप लोगों की खानदानी दुश्मनी चल रही है या आपके हमसाए हैं? ये मतलब कि आपका इनके साथ इंटरेक्शन क्या हुआ? आप इनका देखिए वो भी मतलब हमारे तो दूर पर एक रिलेटिव तो हैं, जो में मेरे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि शायद मैं उस चीज को भी कभी रियलाइज नहीं कर पाता। अपने भाई को देखें कि उसका सर बिल्कुल खुला हुआ है और सर से लेकर पांव तक उसका बिल्कुल खून में लथपथ है। मतलब हम शायद जानवरों को कुर्बानी करते हैं, शायद इस तरह हम जानवरों के साथ भी नहीं करते जिस यूज किए। मैंने कहा मेरी एनर्जी बड़ी प्रीमियम है, मेरा एनर्जी इन चीजों में वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख, ये कहने को मुंह से निकालना जी एक जी आसान बात है। 1 लाख लोगों के बारे में सोचना, उनकी चीजें प्लान करना और दुनिया का बेहतरीन सिस्टम रन करना, ये कोई खेल नहीं है। I'm आउट ऑफ वर्ड्स, मुझे नहीं अच्छा, समझ आती कि मैं इसको क्या क्या आई फेल्ट अलाइव, मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। आपकी तबीयत खराब है? और मुझे लगा कि मतलब हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर जी वालेकुम सलाम, भाई, कैसे हैं आप? तनवीर मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में बुलाया। भाई, सबसे पहले ये बताएं कि क्या मामला है? कल रात से आप ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे भी आपकी वीडियोस वायरल हैं और हम देख रहे हैं कि चंद अफराद एक शख्स को जो है मार पीट रहे हैं, वो क्या मामला है क्या? ये 2 दिन पहले का वाकया है। दिन 2 बजे, बल्कि 2 बजे से पहले सुबह ही मुझे तो पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मतलब लैंड ग्रैबर्स, आप क्रिमिनल्स कह सकते हैं, मैं तो उन्हें टेररिस्ट कहूँगा, इससे कम मेरे पास अल्फाज हैं नहीं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है। तो वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मतलब एक साल पहले भी उन्होंने एक फायर मारा था किसको? मेरे कजन को, ठीक है, तो उनपे 324 की FIR हुई थी। खैर वो मामला चलता रहा, उसमें हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। खैर जो भी हुआ, लेकिन खैर पुलिस ने उन्हें कहा था कि ये मुजरिम है। तो अब ये हुआ है कि अब वही रिपीट करने की कोशिश की जा रही थी, मुझे पता चल रहा था कि 15-20 लोग हैं। तो मैंने अपने भाई को मना किया कि आपने मतलब जो अपनी लैंड है वहाँ पे भी नहीं जाना, क्योंकि मुझे इनके जो अजाइम ठीक नहीं लग रहे, मुझे रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है, क्योंकि 15-20 लोग रिपीटर्स और इतना ज़्यादा असला जो है ना, वो किसी खैर से तो नहीं लाता। तो खैर मैंने उन्हें मना किया, वो नहीं गए। उसके बाद मैंने SHO साहब को डायरेक्ट कॉल की, उनका नंबर बंद था, मैंने व्हाट्सएप पर उनको कॉल की, उनका व्हाट्सएप भी बंद था, वो बीमार थे, उन्हें डेंगू हो गया, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। खैर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने भी मौके पे हमने उन्हें तमाम डॉक्यूमेंट्स शो किए, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की उस वक्त। तो मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि पुलिस भी किसी ना किसी लेवल पे मैनेज है, क्योंकि पहले भी हम इस तरह के इंसिडेंट देख चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि पूरा ऑर्गेनाइज्ड कर चुके हैं ये, तो आपने नहीं जाना। खैर वो नहीं गए। अच्छा वहाँ पे हमने कुछ CCTVs लगाए हुए हैं अपने लिए ना, ताकि वो लोग प्रॉपर, आप माफिया कह सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर प्लान करना होता है हर चीज़ को, एक तरीके प्रॉपर प्लानिंग से करना होता है। तो मैंने कहा वहाँ पे CCTV होना चाहिए ताकि सब चीज़ें रिकॉर्ड हो। तो खैर भाई ने CCTV वहाँ पे लगा हुआ था ऑलरेडी, वो ख़राब था, तो भाई उसको ठीक करने के लिए अपनी ही जगह पे वो गया है, और उस वक्त वहाँ पे मेरा बहनोई है, मेरा भाई, दो लोग थे। तो इतनी देर में वहाँ पे कोई 15-20, मेरे ख्याल 10-15 लोग थे जिनके पास रिपीटर्स थे, क्लाशनकोफ थी, पिस्टल्स थे, कसियां थी, मेरे ख्याल में रॉड थे, आई गेस
ईंटें उन्होंने उठा उठा के मारी, उस बस उन्होंने अटैक किया मतलब आउट ऑफ नोवेयर। एंड लकली अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम ये हुआ कि वो सारी जो फुटेज थी वो वहीं पे एक लड़का था वो छुप के बना रहा था। हाँ वो देख रहे हैं कि वो दूर से वीडियो ज़ूम करके बना रहा था। वो साहब कौन से वीडियो बना रहे थे? वो जो मारधाड़, वो भी वहीं का लड़का था, वो कज़न ही है वो भी। ठीक है। तो वो जो मारधाड़ चल रही थी उसकी फुटेज बन गई है, अल्लाह का शुक्र ये हुआ, क्योंकि उनका जो फॉल्स फ्लैग का ये पूरा था कि उन्होंने अपने बंदे को फायर मारना था, इधर अटैक करना था और फिर FIR भी इन्हीं पे करवानी थी, जैसा कि होता है। इवन मेरे भाई पे पहले भी इस तरह की FIR हो चुकी है बोगस, मतलब कि अपना बंदा खुद ही जख्मी करके अपने मुखालफिन पे पर्चा कटवा देना। यस यस यस, ये हमने देखा गाँव में अकसर होता है कि आपने अगले का नुकसान करके अपना खुद करना होता है ना जी। तो खैर पहले भी मेरे भाई पे इस तरह की FIR हो चुकी है, मेरे दोनों भाइयों पे फिर स्टूपिड थी मतलब चोरी की FIR हो गई, फिर उसके बाद मतलब इस तरह की जिस तो मतलब किसी को खाते भी ना गिने। तो खैर उनमें अलग शुक्र है कि हाई कोर्ट लेवल पे जाके उनकी ख़त्म हो जाते थे कि हाई कोर्ट देखता था कि इस तरह की FIR है तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, हालांकि ये प्रेसिडेंट बहुत कम कम मिलती है। तो खैर मैं मतलब 2 बजे का 2 ढाई बजे का था कि मैं ऑफिस में बैठा था, तो मेरा कज़न भागता भागता आया, तो उसने कहा जी आपके भाई को मतलब वो फायर लग गया है और वो मतलब मुझे लगता है कि मर गया। तो खैर इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा दिमाग तो उस वक्त बिल्कुल माफ हो गया। तो मैं उसके साथ बाइक पे ही बैठा, रास्ते में 115 कॉल की, रास्ते में 1122 कॉल की, खैर 1122 पहले पहुंची, फिर उसके बाद 15 थोड़ा टाइम लेके आई। SHO साहब बीमार थे लेकिन फिर भी वो पहुँचे, तो हमने जो क्रिमिनल्स थे वो उनके पीछे भी भागे, लेकिन मैं देखिए मैं अच्छी इंटेंशन अच्छी सोच रखना चाहता हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन अपेरेंटली यही लग रहा था कि दे आर लेटिंग देम गो डिलीबरेटली। ठीक है। तो इस चीज़ की भी मतलब पूरी कोई शख्स पकड़ा गया नहीं उस वक्त कोई नहीं। और आपके भाई की क्या हालत है? वो एडमिट थे हॉस्पिटल, रात ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन ही सो वीक, उनका जो ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है, उनकी 4 जगहों पे सर जो है वो खुल गया है, और इसको बोलते हैं बोन एक्सपोज्ड, कि जो ये स्कल्प है जो सर का ढांचा है वो बिल्कुल खुल गया है, मतलब अंदर तक की हड्डी तक उनको जख्म आए, क्योंकि मतलब कि वो किस नीयत से आए थे, मतलब कि वो कोई जानी नुकसान करने की नीयत से आए थे, क्योंकि आप तक ये इतला पहुंची कि वहां पे कोई फायर शायद लग गया है और आप गए तो बाहर उन्होंने सर तो खोला बंद था, तो वो किस नियत उनकी इंटेंशंस क्या था? एक्चुअली उन्होंने पहले फायर वहाँ पे मारे रिपीटर के, वहाँ पे मैंने पुलिस को भी दिए रिपीटर के खौल थे, गोलियों के पिस्टल की गोलियों के खौल थे, वो मैंने पुलिस को खुद ही वहाँ पे रिकवर करवाए। तो मतलब यही लग रहा था, मैं देखें मेरे पास एक सिंपल सा लफ्ज है टेररिज्म, मेरे पास और कोई सूटेबल वर्ड मुझे नहीं मिलता कि टेररिज्म के अलावा मैं कोई और सूटेबल वर्ड इस अच्छा, मामले में। तनवीर भाई थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप तो माशाल्लाह आपका किताबों से ताल्लुक है और आपने जो पूरे पाकिस्तान में आपने बहुत से बच्चों को जो है इल्म दिया, इनके जेवर से नवाजा, ये लोग कौन है, कैसे आपके पीछे पड़ गए, कोई आप लोगों की खानदानी दुश्मनी चल रही है या आपके हमसाए हैं, ये मतलब कि आपका इनके साथ इंटरेक्शन क्या हुआ? देखिए वो भी मतलब हमारे तो दूर पड़े रिलेटिव तो हैं। अच्छा, जी, लेकिन यू नो एक क्रिमिनल माइंड सेट होता है, मतलब अगर किसी पे 60-70 FIRs होंगी और उनमें बेशतर में वो डिक्लेयर हो चुका होगा पुलिस की तरफ से कि ये गिल्टी है, और ऐसे बंदे फिर यू नो उनको पैक की जाती है कि अगर आप इस तरह किसी FIR में फंस जाते हो तो हम आपको निकलवाएंगे। इवन लोग तो यू नो वकील करते हैं, यहाँ तो मैंने देखा कि पूरी खैर जिक्र नहीं करता मैं उस बात के अगेन। तो बहरहाल उनका मकसद मल्टीपल होते हैं, लैंड ग्रैबिंग से लेकर टेरर फैलाना और अगले बंदे को यू नो नीज पे लाना, जो मेन एक्चुअली बात होती है तो नीज पे आए। ठीक है। वो और उसके जितने चाहने चौधराहट कायम करना चाह रहे थे कि ये हमारा रिश्तेदार, इसको इदारे भी सराह रहे हैं और हम जरा इन्हें बताएं कि हम भी कोई चीज है। नहीं, अल्टीमेटली पॉलिटिकल गेन्स भी होते हैं, फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं, मतलब इट्स कम्प्लेक्स। अब इसमें मतलब मेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में केसेस चल रहे थे, मैं उधर भाग रहा हूँ, पुलिस में चल रहे हैं उधर भाग रहा हूँ, फिर हम यू नो एक लाहौर में इधर है, मैं वहाँ भाग रहा हूँ, सुबह 3 बजे उठ कर वहाँ जा रहा हूँ, फिर पूरे दिन की ड्राइव वापस करके शाम को इधर पहुँच रहा हूँ, फिर मैं यू नो सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट की हुई है, फिर वहाँ पे
फीडबैक ले रहे हैं। तो मतलब मैं ये समझ लें कि एक एंड है मेरा कि मैं एग्जॉस्ट हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मुझे कोई शौक नहीं है इन चीज़ों में। मेरे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि शायद मैं उस चीज़ को भी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाता। फिर उनको इस तरह की जब सूरत हाल देखते हैं तो पैनिक कर जाते हैं, उनका सिस्टम पर से एतबार हो जाता है और वो बिल्कुल यू नो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो मेरा नहीं दिल था कि मैं पब्लिक जाऊँ, लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल हो कि आप अपने भाई को देखें कि उसका सर बिल्कुल खुला हुआ है और सर से लेकर पांव तक उसका बिल्कुल खून में लथपथ है। मतलब हम शायद जानवरों को कुर्बानी करते हैं, शायद इस तरह हम जानवरों के साथ भी नहीं करते जिस तरह उन्होंने किया है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर गोली मारी बंदे को, स्ट्रेट फायर मारा, उसकी ज़िंदगी बच गई। उसके बाद मुझ पे सिविल हॉस्पिटल में प्रॉपर मतलब अटैक हुआ, उसकी भी मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैंने उसको एस्केलेट नहीं किया। मुझे पुलिस ने कहा, SHO साहब ने उसको मुझे बहुत कोऑपरेट किया, मुझे पहचानते थे वो, उन्होंने कहा कि आपकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR बनती है। मैंने उसमें उनको माफ़ कर दिया कि चीज़ें एस्केलेट ना हो। फिर मैं खुद उनके पास उनके घर चल के गया, मैंने कहा आप मतलब क्या चाहते हैं, क्या होगा? जो MPA साहब उनको बैक करके कर रहे थे, मैं उनके घर चल के गया, मैं लाहौर में उनके पास गया, मैं मुल्तान में उनके पास गया, मैंने जितने रेफरेंस हो सकते थे यूज़ किए, मैंने उनको जितने मिनटे तरले हो सकते थे यूज़ किए। मैंने कहा मेरी एनर्जी बड़ी प्रीमियम है, मैं एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे 1,00,000 स्टूडेंट्स हैं, 1,00,000 ये कहने को मुंह से निकालना एक आसान बात है, 1,00,000 लोगों के बारे में सोचना, उनकी चीज़ें प्लान करना और दुनिया का बेहतरीन सिस्टम रन करना, ये कोई खेल नहीं है। तो मैंने उनको जिस तरह दुआइयाँ कहते हैं ना, दुआइयाँ दी कि प्लीज़ हम पे तरस खाएं, अगर आपको हम पे कोई गुस्सा है, अगर आपकी हमसे कोई नाराज़गी है, हमें बताएं, हम वो दूर करने को तैयार हैं। तो आपको पता चला कि नाराज़गी क्या वजह, उनका मकसद क्या था? मतलब कि आपके भाई की कुछ जगह हथियाना चाह रहे थे या सिर्फ चौधराहट कायम करने का कि यार खानदानों में आपस में हो जाता है ना, कि उन्हें पता लगे कि यार हम भी कोई चीज़ है। देखें इसको आप जिस तरीके से भी, मैं जिस तरीके से भी इकट्ठा करूं, जिस तरीके से भी इसको अपने माइंड में जस्टिफाई करने की कोशिश करूं, एक बंदे एक 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 निहत्ता बैठा है, आप यहां पे बैठे हैं, 15 बंदे आके रिपीटर के साथ आपको मारने लग जाते, फिर उसमें क्या रीज़न बचती है कि मैं उसका बैकग्राउंड देखूँ, उसके क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब इट्स लॉन्ग बैटल वी आर फाइटिंग। मान लिया उनके साथ, मैंने उनको यही कहा कि भाई हम मार धाड़ वाले, आप प्लीज़ ये ना किया करो, आपने कानूनी जंग लड़नी है, आपके साथ पॉलिटिक्स है, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी बैठी है, आप करें। मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, मैं कानून में जाऊंगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं हायर कोर्ट में जाऊंगा, मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं उससे हायर कोर्ट में जाऊंगा, मैं सिस्टम पे बिलीव करने वाला इंसान। लेकिन ये इस तरह वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, कि आप एक छोटे 3 बच्चों के बाप को आप यूं टेस्ट नेस कर दें, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा मुआशरा है? ये कौन सी, इसको मैं कैसे, मैं अपने तौर पे बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मुझे नहीं समझ आती कि मैं इसको क्या अच्छा, कल से आप ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत से दोस्त साहब आपने आपकी स्पोर्ट में वीडियोस लगाई और बहुत से आपके मतलब कि यहाँ पे एक स्पोर्ट बनाई गई पूरे, यानी सोशल मीडिया पे पता लगा कि जो आपके साथ एक ज्यादती का मामला हो रहा है। तो ये बताइएगा कि आपको जो रिस्पांस मिला उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आप मुश्किल में थे तो पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला, लोग परेशान हुए। आई फेल्ट अलाइव, मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ और लोग जिंदा हैं यहाँ का। आपकी तबीयत खराब है? और मुझे लगा कि मतलब हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा भी जिंदा है, जिस तरीके से लोगों ने प्यार किया, प्यार दिया, जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए वॉइस रेज की, छोटे से लेकर बड़े तक, जूनियर से लेकर सीनियर तक, मीडिया से, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फील्ड के लोग, मतलब कि कोई ऐसा बंदा रहा नहीं कि जिसने मुझे सपोर्ट ना किया। आई फेल्ट अलाइव, आई मस्ट से, मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे अभी हिम्मत रखनी चाहिए हमें। अच्छा तनवीर भाई, आपकी मुझे लग रहा है कि तबीयत काफ़ी ख़राब।
बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपकी सेहत भी थोड़ी सी ख़राब है। थैंक यू सो मच तनवीर भाई ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया था। और तनवीर भाई बता रहे हैं कि मेरे 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैं खुदारा खुदारा ये चाहता हूँ कि जो मेरी इनर्जीज़ हैं मैं इन बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने में सर्व करूँ, ना कि इस तरह की जो अनाओं की जंगें होती हैं उनको लड़ने में ज़ाया करूँ। बहरहाल बता रहे हैं कि पाकिस्तान है, यहाँ पर प्रेशर डाल के कुछ भी करवाया जा सकता है। बता रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ के जो बड़े इदारे उनकी स्पोर्ट्स ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा भी ना होता। बहरहाल परेशान है, आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।